भारत देश में सर्दियों का मौसम आ गया है। इन सर्दियों में हाइबरनेशन से निकलते हैं मामा फूफा नामक प्राणी, जो अपने खानदान में 25 साल की उम्र में ही 28 शादियां करवा चुके हैं। अब 29 की बारी है तो वहां लंदन से वापस आता है, जिसके अब्बा फाइनली मान गए, मन्नू शर्मा। मन्नू शर्मा जो एक दिल का डॉक्टर है, जिसके लिए लड़कियां इंस्टा पे ही कैन फिक्स मी डालती हैं, औरतें अपना पैर तुड़वा लेती हैं ताकि इससे अपना इलाज करवा सके। पर ये तो दिल का डॉक्टर है ना। I don't care. तो चलो देखने चलते हैं एयरपोर्ट से सीधा रिश्ता, जहाँ लड़की वाले खिला रहे हैं बिस्कुट जलेबी काजू पिस्ता खाना भोसड़ी के। अरे बचाओ, अरे बचाओ। हमारी बेटी तो बहुत शरीफ है जी, उसके ब्राउजर में एक्स दबाओ तो उसके सजेशन में ट्रिपल एक्स मूवी आती है, दीपिका वाली। ट्विटर पे तो ये लफड़ा करती नहीं है, बैंड है ना। वो अलग बात है, डॉक्टरी की इतनी बड़ी फैन है कि नशे सिर्फ वादियों में करती है। एलोपैथी रॉक्स इंजेक्शन लेती है जी, इंजेक्शन। अभी बीमार होने का नाटक करी है तो एक बार ऊपर जाके अकेले मिल लो और सोलमेट्स बन जाओ। ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत हो रहा है, चुप, ये ठीक नहीं है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तो वेल, मन्नू की ये शादी जोर जबरदस्ती से हो रही है। लड़के वाले लड़की से अकेले मिलने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं, और तो और साली पूरी घर वाली हरकतें कर रही है। जीजा जी, दर्द तो नहीं लग रहा, हम आए क्या? चो? तो ये जाता है तन्नू से मिलने, पर तन्नू डॉक्टरी की इतनी बड़ी फैन है कि उसने एक दिन पहले डोलो 7000 एमजी शूट किया था। तो भाई ये एक डॉक्टर है तो एक मरती लड़की को कैसे बचाएं? स्टेप वन, पप्पी। वेट, व्हाट? स्टेप टू, एविडेंस। एंड सिंस स्टेप थ्री के लिए शादी करनी पड़ेगी, तो विल मुझे लड़की पसंद है। एंड ये तन्नू को बताने के लिए रेडी है बेबी, तो चलो सह परिवार वैष्णो देवी। जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, कमेंट में बोलो जय माता दी। पर उस रात मन्नू को पता चला एक सीक्रेट कि तनु पीती है सिगरेट। हाँ। साले सीन जोन वाली लड़कियां बहुत पसंद है ना तुझे, स्लीपिंग तेरी फेवरेट कैटेगरी है ना, सच बता। What? मैंने डोलो 7000 एमजी शूट किया था हरे पत्ते वाली गोली मिला के, क्योंकि मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे ये भोसड़ी वाले। बट वेल, दिस इज इंडिया और मैं कंगना हूँ, रन आउट नहीं होती, सीधा छक्का मारती हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, ये देख छाती पे इनविजिबल इंक वाला टैटू। Let me see that again. I don't get a good look at that. A pencil, bol pencil. Pencil. I have a boyfriend. हैं? तो मतलब तेरी शादी cancel. Madam, rhyming सिर्फ YBP अच्छी करती है. आप अपने मजनू का lockup करवाइए. Approximately 10 hours later. तो well, तो बोल दिया pencil. तो according to 69 law of Newton, शादी cancel. ये क्या बात हुई यार? हो गया ना फिर? तो विल शादी अनमैच कर ली, तो बाकी स्वाइप राइट वालियों से मिलने ये निकल पड़ता है, और सारा NCR घूमा, नोएडा घूमा और घूमा गुड़गांव, पर सारी लड़कियां तमीज से बात कर रही हैं और इसको गाली देने वाली पसंद है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो थोड़ा बदतमीज लोग ढूंढने के लिए ये जाता है गाजियाबाद, पर विल ये लड़की भी तमीज वाली निकली। हे राम, पर पोटेंशियल साला बदतमीज टाइप है। राज अवस्थी, जो फिक्शनल मूवीज के लिए इमोशनल होके लड़ाई कर बैठता है, मम्मी जोक्स नहीं सह पाता ना, इंटरनेट पे मिसोजिनिस्ट होते हुए भी लड़कियों से पिट के आ जाता है, तो हर दिन ये पीट पिट अच्छा ठीक है छोटी ही की मात्रा, ब्रैड पिट के आता है। इतने झूठ मारूंगा। हमारी बहन से शादी कर लीजिए, काफी अच्छी है, खाना वगैरह भी बना लेती है, सही में दिल साफ है इसका। यार कुछ भी यार। काश कर पाता, पर मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा है आजकल, घर वाले जबरदस्ती ले आए ना। आप आदमी सही लगे हमें, अच्छा लगा मुझे, खाना खा के जाइएगा और हो सके तो फिर कभी मिलेंगे मूवी के क्लाइमेक्स वगैरह में, क्योंकि लगता है कुछ पुराना है आपसे। मन्नू ने अब तक NCR की 1689 लड़कियां रिजेक्ट कर दी, क्योंकि वो तमीज वाली निकली ना, पर इसे चाहिए वो जो इसे पैक करे, तनु। लौंडों के साथ ये हर बार होता है, जो लड़की इनकी गांड मारती है उसी से प्यार होता है। पर वेल, इसकी शादी होने से रही तो इसे आता है इसके दोस्त जस्सी साइलेंट गिल का शादी का कार्ड, और फ्राइडे नु शादी आ, बैचलर पार्टी नु रशियन बियर शियर पाव पैन चोत, आजा पेट शुग मारते हैं, चिकन विकन खाते हैं। तो यहाँ मनु जो 1689 NCR की लड़कियां रिजेक्ट करके बैठा है, और वहीं इसका दोस्त जस्सी जो 3 घंटे के ट्रेन वाले प्यार से शादी करने जा रहा है। सीखो लॉन्डो कि ये दोनों हरकतें ना करना। क्यों नहीं? पर वेल, भाभी जी जो ट्विटर पे बहुत वोक है, उसके साथ आई है उसकी अनवोक दोस्त तनु,
और मनु और पप्पी की फटके ब्रा। यार दुनिया कितनी छोटी है। दुनिया पैटर्न है। पर वेल, दोस्तों को पता चल गया कि यही वो तनु है जिसके लिए 1689 एनसीआर की लौंडिया रिजेक्ट करके आया है मनु। और जसी इज लाइक, और चलो बुधवार पैक झगड़ाओ बैंड जो दा बलून चलून के मिस से करी दो खेता विच गन्ने उत्ता सेक्स पालो यार। आप लोग तो खेतों में जा ही सकते हो, आप लोगों की तो शादी हो रही है ना। ज्यादा हो रहा है। पर वहाँ खेत विच जस्सी सेक्स पा रहा है, यहाँ अगविज मनु दो गल्ला कर रहा है। प्यार दी, आपका बॉयफ्रेंड कैसा है? कौन सा वाला शर्मा जी, हर महीने चेंज हो जाते हैं, अब तो याद भी नहीं रहते। टैटू भी टेम्परेरी था, 2 महीने में जब तक टैटू फेड तब तक नो सेकंड बेस। कहां जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, वो कह रहा है। रवे, रुद्र, रुद्र। तो मनु अब वही करता है जो भारतीय पुरुष अपने क्रश के ब्रेकअप के बाद करता है, उन्हें डेट के लिए पूछना। और वेल, तनु मनु पूरे पंजाब में मेनू तेनु करते रहते हैं। और दोनों का अब थोड़ा थोड़ा, मनु की तरफ से बहुत सारा और तनु की तरफ से थोड़ा थोड़ा। मगर मनु और तनु को साथ देख के एक भारतीय पुरुष की जल गई बुंड, तो क्या करे? लड़की के पेरेंट्स से कंप्लेन, साले छठी में है क्या? हेलो सर, आपकी बेटी कुछ 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 कर रही है इधर। ओके, आप कौन? आपका शुभचिंतक। आई एम कमिंग। और वहाँ जस्सी क्राउन रॉयल के 3 सिप में भंड होके मन्नू के घर वालों को कॉल करके बोल देता है, नमस्ते अंकल जी, आपका बेटा ना कुछ 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 कर रहा है, तो जल्दी से यहाँ आ जाओ, दारू पियेंगे पूरी नाइट। आपके मुंडे नू मिल गया स्वाइप राइट। ओके आई एम कमिंग। तो वेल, इन दोनों के घर वाले रिटायर्ड है, तो टाइम तो दुनिया भर का है इनके पास। तो पापा दूध लेकर बचपन में वापस आए या ना आए, पर ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले पहुंच जाते हैं। Exactly. तो घर वालों को देख दोनों खफा हो गए। मन्नू को लग रहा है कि तन्नू ने अपने घर वालों को बुला लिया, और तन्नू को लग रहा है कि मन्नू ने उसके घर वालों को बुला लिया, और ईगो तो दोनों की तशरीफ में भर के है। तो दोनों एक दूसरे से बात करके मैटर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उल्टा लड़ रहे हैं। अच्छा बात नहीं है। तो हर लड़की की एक बेस्टी होती है जो उसकी दुश्मन नहीं होती और हमेशा अच्छा लड़का रिकमेंड करती है। अबे चूतिया, इतना अच्छा लड़का है वो, नहीं चाहिए तेरे को? हाँ नहीं चाहिए मेरे को। अबे उसने घर वालों को नहीं बुलाया था, किसी एनपीसी ने कॉल करके कंप्लेन की थी, अब बता नहीं चाहिए तेरे को? नहीं चाहिए जी। ठीक है, वो वापस लंदन जा रहा है, अब तुझे अटेंशन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तन्नू जी। चाहिए जी। तो ये अटेंशन सीकर तन्नू निकल पड़ती है मन्नू को रोकने। शर्मा जी रुक जाइए प्लीज, आप नहीं होंगे तो मेरी शादी कैसे होगी? बेटा मन में लड्डू फूटा, मतलब मेरी बॉयफ्रेंड से। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। सुनो, ये मैंने किसी को नहीं बताया, 2 दिन में भाग के शादी करी हूँ मैं, तो रुक जाओ ना प्लीज। पर वेल, ईगो तो इसकी तशरीफ में है तो ये नहीं रुकता, चढ़ जाता है ट्रेन में। ईगो की बात नहीं है भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। पर वेल, याद है ये कितनी छोटी दुनिया है, तो ट्रेन में मिला गाजियाबाद का गली नंबर 5 फेमस एडी नागर का फैन राज अवस्थी, जो कर रहा है गंदी मस्ती। हेलो देयर। तो सिंस दोनों एक मुलाकात में BFF बन गए थे, तो वेल मन्नू इसे इतना टाइम स्टैम्प समझाता है। देखिए, आपके दोस्त की शादी जहाँ हो रही है वही हमारी वाली भी है जिससे हमारा ब्याह होने वाला है, तो चलिए आप, हम कसम खाते हैं पिक्चर के एंड में आपकी शादी उसी से करवा देंगे। I have a bad feeling about this. तो मन्नू वापस शादी में चला जाता है राज को +1 बना के, और शादी ब्याह दारू कुकेन सब चल रहा है कि राज कॉल करके कहता है, बेटे तू जिसने NPC समझ रहा था वो कटसीन का मेन कैरेक्टर था, और X दबा के स्किप कर, anyway, तन्नू ही तो है जिससे हमारा ब्याह था, अब हमें हमारी मिल गई, आपकी भी ढूंढ लेंगे। भाई ये तो XD हो गया यार। तो वेल, अपनी क्रश की शादी में इसको विटनेस बनना पड़ेगा। पर वेल, एक सरकारी दफ्तर में ईमानदारी से काम नहीं होता, तो रस्सी पे बना हुआ पेन लेके कोई भाग गया, एंड वेल पेन नहीं है पर है पेंसिल, तो आज की शादी कैंसिल। बेटा, पर मन्नू का पेट नहीं भरा क्लाउन बनने से, तो ये तन्नू के बाप के पास जाके अपनी क्रश के बॉयफ्रेंड की शादी की बात कंफर्म करके अपना दिल तुड़वा के क्लाउन बन जाता है। अबे चूतिया। पर तन्नू दुखी है कि सब कुछ इतना स्मूथ कैसे चल रहा है, मैं पागल लड़की हूँ, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मुझे लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। वुमेन।
पर अपना क्लाउन माधवन जो अभी भी तनु से प्यार करता है पर कहने से डरता है, तो उसने अपने 2MP वाले कैमरा से लिए हुए DSLR वाले फोटोज को PicsArt में एडिट करके 250 वाले फ्रेम में गिफ्ट करके दे देता है। तो जब तुम सच्चा प्यार करते हो तो पूरी कायनात तुम्हें क्लाउन बनाने में लग जाती है। अरे शर्मा जी, हमारी होने वाली बीवी के लिए जाके लहंगा ले आओ प्लीज। हाँ हाँ, मैं दिलवा दूंगा। कौर से देखिए चूटी ये कहो। तो ये तनु को लहंगा शॉपिंग करवा रहा है, तो वी ऑल नो कि तनु को लफड़ा पसंद है। शर्मा जी, शक्ल पे क्लाउन दिखने लगा है, क्या सीन है? अब मैं आपको क्या ही बताऊं, इंट्रोवर्ट हूं ना, चलो बता ही देता हूं, आई लव यू जी। पर वेल, गाजियाबादी राज वहां प्रकट हुए, वे ये बात सुन के व्याकुल हो गए और तनु को उसी क्षण अपने साथ लगन करने के लिए ले गए। तो मैं चूतिया हूं। तो तनु को इतनी बात समझ में आ गई कि उसे जो पसंद था वो उससे प्यार नहीं करती थी, पर जिससे जिससे प्यार करती थी वो पसंद नहीं था। Women. Okay. तो ये जाके मनु को कहती है, शादी करोगे शर्मा जी? हाँ, मुझे लड़का पसंद है। ये क्या चुतिया पाए? पर गाजियाबाद में 2 साल पुरानी एक कहावत है कि अगर शादी के कार्ड बट गए तो शादी हो के रहेगी, चाहे वो प्यार से हो एबनॉर्मली या बंदूक की नोक पे हो नॉर्मली। तो वेल क्या करें, कार्ड मराओ सबके सब। तो शादी के दिन मन्नू की बारात निकलती है लेफ्ट की तरफ से, पर राज की बारात आती है राइट की तरफ से और सबकी फटके 4, क्योंकि राज के ऊपर है गाजियाबाद का बुखार। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। तो अब क्या करें, क्या फिर से क्लाउन मोमेंट होगा या लड़ाई होगी? फाइट, फाइट, फाइट। हम कसम और भांग का एक गोला खा के निकले थे कि आज डोली तो हम ही उठा के लेके जाएंगे, पर हम चूतियां हैं जो एक और कसम खा के बैठे थे इस टाइम स्टैम्प पे कि आपकी पिक्चर के एंड में आपकी क्रश से शादी जरूर करवाएंगे। साला ऐसी कसम की वजह से ना तो पिक्चर मिलती है ना पिक्चर में लड़की। तो अब समझ में आ गया है कि क्लाउन मोमेंट क्या होता है। तो शादी मुबारक हो आपको शर्मा जी, कहे थे ना आपके साथ कुछ पुराना है। हमें क्या कैरम की गोटी समझे हुए हो? कोई भी पिक्चर देख लो, सबसे ज्यादा हमारी बत्ती लगी हुई होती है। कभी लड़की शादी से मना कर देती है, कभी बीवी का आशिक गोली मार देता है, कोई भी झंडू सा लौंडा हमारी नाक के नीचे से हमारी गर्लफ्रेंड को लेकर निकल जाता है। एंड वेल, मूवी का टाइटल एस्टेब्लिश हो गया और कहानी खत्म। चलो भाई, करो, हो गया पैकअप, घर चलते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि शादी एक पवित्र रिश्ता है, इसमें कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो एक्स की तरफ से हो या परिवार वालों की तरफ से। तो जोड़ियां भाई ऊपर बनती है। तो मम्मी पापा, आप कहते हो ना कि हमने दुनिया नहीं देखी है, तो जब मैं उसे देखना चाहता हूँ तो मुझे रोकते क्यों? एनी, एक गाना बजा दे। सॉरी। अच्छा, दुनिया देखेगा, आजा दुनिया दिखाती हूँ तुझे। ओ बेबी, तुझको अपनी बीवी मैं बनाऊंगा, पर भी अब से तेरे शादी भी कराऊंगा। कहते सब मुझको अनरोमांटिक, पर मैं सोते सोते किसी लेके जाऊंगा। लड़की क्यूट तो शादी पक्की है, तो माल स्टेशन पक्की, इतनी पेट्रियोटिक मूवी क्यों करता है जाने अक्की। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी गिराए, सीन न करती मेरा है, क्रश के चक्कर में हर लड़का बन जाए। बन गया जो कर, देखो बन गया जो कर, एक्स बीवी का नौकर ये तो बन गया जो कर। बन गया जो कर, देखो बन गया जो कर, जिन्नी शेरगिल की एक्टिंग जैसे रोनाल्डो का सॉकर, पर वो तो फुटबॉल खेलता है। बन गया जो कर, देखो बन गया जो कर, एक्स बीवी का नौकर ये तो बन गया जो कर। बन गया जो कर, देखो बन गया जो कर, जिन्नी शेरगिल की एक्टिंग जैसे रोनाल्डो का सॉकर, पर वो तो फुटबॉल खेलता है।